love this man and for the largest he has, sab log taaliyan maari. Kya ye aapka pehla radio interview hai? Ji, ye pehla radio interview hai mera. और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि थैंक यू, आपने रेडियो जॉकीज की लाइफ इतनी बड़ी बना दी है बाय एक्चुअली कैरिंग फॉरवर्ड दैट थिंग इनटू द जेल एज वेल. तो एक आरजे दूसरे आरजे से बात कर रहा है, आपको मेरी आरजेइंग स्टाइल और एनर्जी कैसे लग रही है? बहुत ही कमाल की लग रही है, क्योंकि जेल में थोड़ा माहौल गड़बड़ रहता है लेकिन उसमें भी आदमी को उभर के रहना पड़ता है. तो ये मैंने सीखा है जेल के अंदर. सो देयर इज, मतलब रेडियो जॉकी बनने में काफी मेहनत लगती है. आप सुनने वालों को बताओगे कि रेडियो जॉकी बनने में आपने क्या मेहनत? मैंने काफी मुश्किल काम है रेडियो जॉकी वाला, क्योंकि मुझे कभी पता नहीं था लेकिन मुझे मौका मिला. और हमारी टीम में भी कुछ 5-6 लड़के थे और कोई स्क्रिप्ट लिखता था या कोई डायलॉग लिखता था और हम लोग हर दिन एक टॉपिक चूज करते थे, जैसे कि एनवायरमेंट है, शांति है, पीस है, गांधीगिरी है, नॉन वायलेंस है, सुधारना पुनर्वसन है. तो उस हिसाब से हम लोग बात करते थे और गाने बजाते थे. पर यू आर अ बोरिंग पर्सन, तो मैं सोचती हूँ आप ज्ञान तो बांट रहे थे लेकिन फन बहुत ज्यादा डालते थे आई एम श्योर. नहीं, फन भी बहुत था लेकिन इनिशियली एक महीना थोड़ा मुश्किल लगा और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप लोग का काम बहुत मुश्किल वाला काम होता है. बचपन में आप रेडियो सुनते थे और क्या याद है? बिना का गीत माला. वो सब बहुत मजा आता था हम लोगों को. वो मॉम डैड आल्सो फॉन्ड ऑफ रेडियो? यस यस, वी ऑल वर वेरी फॉन्ड ऑफ रेडियो. आपके पिताजी के साथ एक मौका मिला था एक शो करने का, वो सोशल चीजों में बहुत इन्वॉल्व रहते थे, हिज ऑरा वाज समथिंग एल्स एंड सो योर मॉम वाज आल्सो यू नो सोशल सर्विस पर्सन. दोनों से क्या सीखा आपने जो आपको लगता है अभी भी आज भी आपके साथ? मैंने उन्होंने एक ही चीज सिखाई, बोले कि पहले अच्छा इंसान बनो फिर उसके बाद सब ठीक है. दिल सोने का रखो, हमेशा झुक के रहो, क्योंकि जो पेड़ फल देता है वो हमेशा झुक के रहता है. बहुत यू नो आई हैव टू से दिस कि आप जेल से बाहर आके ऐसे लगता है कि आप रियली पंछी की तरह उड़ रहे हैं और आप जो दिल में आते, आई थिंक टू बी ऑनेस्ट योर सोल इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. बहुत लोग अपने आप को नहीं जान पाते हैं एंड आई थिंक यू हैड दैट अपॉर्चुनिटी. अगर मैं आपसे पूछूं कि जेल में क्या क्या चीजें करी जिससे आपको लगता है एक मेडिटेशन आ गया, एक सेल्फ रियलाइजेशन, वो क्या क्या थी? देखिए, जेल एक ऐसी जगह है जहाँ माहौल बहुत अजीब रहता है, वो खुशी का माहौल नहीं रहता है. लेकिन अगर वो जो नेगेटिविटी को आप पॉजिटिव वे में देखें, वो मैंने वो कोशिश की, क्योंकि मैंने वो जो वक्त जेल में जो मैंने काटा, जो मिला मुझे, मैंने उसको एक पॉजिटिव ढंग में इस्तेमाल किया. जैसे कि रेडियो है, रेडियो जॉकी है, या म्यूजिक है, नाटक कंपनी था, अपने काम भी उसमें मतलब अपने बनाया भी बहुत सारी चीजें, कुर्सियां बनाई, टोकरियां बनाई, मतलब के पेपर बैग्स बनाए. लेकिन नाटक कंपनी में ट्रेनिंग की, क्योंकि आई एम एन एक्टर, तो वहाँ जितने भी कैदी जो नाटक कर रहे थे, टू टेल देम हाउ टू स्पीक, देयर डिक्शन एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो एंड आई रेड अ लॉट ऑफ हमारे जो हिंदू शास्त्र है, अरे वाह, वो मैंने बहुत पढ़े. तो मैंने शिव पुराण पढ़ लिया, मैंने गणेश पुराण पढ़ लिया, महाभारत पढ़ ली, रामायण पढ़ लिया, भगवत गीता पढ़ ली. सर सात्विक, तो इन अ वे मैं पंडित बन गया. वही मैं पे बोला, सात्विकता की तरफ तो नहीं आप मुड़ रहे? व्हाट डू यू लर्न? आई मीन आई एम सॉरी, वी हैव नॉट रीड दिस बुक्स, हमें भी नहीं पता, हमें प्लीज सिखा. आई मीन दिस बुक्स आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं शिव भक्त हूँ बेसिकली, भोलेनाथ इज एवरीथिंग फॉर मी. तो बेसिकली मैंने इसमें ज्ञान बहुत मिलता है, उनकी कहानी सुनने को मिलती है, क्या करने को मिलता है, इट्स अबाउट लाइफ, इट्स अबाउट एवरीथिंग, यू नो, सो दैट्स गुड. लेकिन मैं कोई बाबा नहीं हूँ, प्लीज. वो नाम के साथ तो जुड़ गए सर. ओके, सो हियर इज एन इंसिडेंट आई वांट टू शेयर विद यू. एक आपके मेकअप हेयर स्टाइलिस्ट आर्टिस्ट थे जिन्होंने मुझे एक फ्लाइट में बोला कि संजय दत्त जैसे दिलदार इंसान इस इंडस्ट्री में हो नहीं सकता, क्योंकि आप अपना खाना छोड़ के पहले उनको आपको खाना मिला, और अगर नहीं मिला तो आपके अंदर ऐसा आक्रोश आता था. व्हाट इज दिस लव जो आप बांटते हो, इतना प्यार? नहीं, इट्स नॉट अबाउट लव, इट्स अबाउट द राइट थिंग. जो सही चीज है वो करना चाहिए. अभी एक जो इंसान है जो सेट पे काम करता है, जो स्पॉट बॉय,
वो सबको खाना खिलाता है और एंड में जो बचा कुचा उसको मिलता है. तो मैं ये कोशिश करता था कि सबसे पहले वो खाए और फिर खाना खिलाए. यू नो बहुत कम लोग ऐसा सोचेंगे लेकिन मेरी सोच ऐसी है. God bless you. This is coming from your dad, mom, your own heart. कहाँ से आता है? It definitely comes from my upbringing, from my dad and my mother, and the values they taught us. एक चीज़ क्योंकि ये film dad and daughter के ऊपर based है, and I happen to be lucky to read your daughter's message, Trishala का, जहाँ पे वो आपको dukes बुलाती है, and you instantly had tears in your eyes. क्या है वो connection, Trishala आपका? उसके बर्थडे पे हम लोग ने yes, एक अजीब कनेक्शन है. She was born in America. And she stayed back there, and I want to thank her grandparents and her buas that the way usko raise kiya, usko jo pala hai, wo values kabhi chode nahi, jo hamare values hain, Indians, jo hum log ke jo sanskar hain, wo sanskar abhi tak usme hain. And though she lives in America, but she has those values. And why does she call you Dukes? It's just the thing. अरे उसका ही कुछ है पापा डूक्स करके, वो मुझे भी समझ में नहीं आता. I think Dukes means वो gunslingers or something, you know. And were you there जब वो जन्म उन्होंने जन्म लिया? Were you actually around when Trishala took birth? Yes, I was there. I was right there, and my father flew all the way from Singapore and you know. Guess who's here? Your other daughter, your screen daughter. Hey. Aditi, thanks for the shout out on Twitter. How sweet of you for giving me the traffic updates. I think what's interesting about this movie is also that the relationship that you both have gotten on, that is, it has so much innocence and love in it, especially wo jo workout ka bolti hai. Wo kya dialogue hai aapka Aditi, batao? Subah kasrat karte hai, raat ko daal peete. I think it's a high point of the trailer. It's really yeah, cool. It's nice. I mean, I love the relationship between me and her, and it was so beautiful. You know, it's really small things. I mean, जैसे कि इसके सर पे मैं तेल लगा रहा हूँ. I love that scene. Yeah. Yeah. हमारे फैमिली में भी बॉन्डिंग है तेल वाले से होती है. There is a photograph. संजू बाबा, there's a photograph. मैं अपनी माँ को तेल लगा रही हूँ और मेरी 3 साल की भांजी पीछे से सोफा पे उठ के मेज पे तेल लगा रही है. हाँ, ऐसा ही होता है यार छोटे शहरों में. You know, we forget that. Aditi, you said something which completely struck me, ki how the universe has conspired to put him in a position which he truly deserves, which is जादू की झप्पी. Can you just pull the mic closer and tell me कि आपने तो कहा था कि इनकी झप्पी बेस्ट है सो फार एक्चुअली, एंड देन ही इज गॉट अ मूवी डेडिकेटेड टू दैट. कैन वी अगेन क्लैप फॉर दैट? दैट्स लाइक मैजिक. ही इज ओनली मैजिक. क्या है जादू की झप्पी, प्लीज बताओ. जादू की झप्पी, इट कम्स फ्रॉम द हार्ट. इट्स जस्ट लाइक He's got that protective bear hug, and when you get that hug, you feel everything is going to be okay. So it's really a जादू की झप्पी. How do you think अपने picture में भी जादू की झप्पी का title, क्या वो purposely हुआ क्या? नहीं, purposely नहीं हुआ actually. वो I think राजू ने, I think he created that. राजू ही राजू. It's amazing the way he did it. Another thing, क्योंकि you know, press con में ये बहुत निखर के आया है कि ये film इन्होंने हाँ बोला क्योंकि रानी सर, and of course विनोद चोपड़ा said कि please go ahead and do this. एक तरीके से that's such a sweet thing that you have a father figure in them, you know, like it's in Vinod. Yes, he's very very close to me, and basically when दत्सब जब गुजर गए थे, तो एक हिंदू धर्म में एक चीज होती है जहाँ बाप को नहलाया जाता है, और मेरे लिए मैं अपने बाप को कभी मैं नंगा कभी देख नहीं सकता. तो वो जो पार्ट था मैं वो कभी मैं कर ही नहीं पाया, तो उसके लिए मैंने विनोद को बुलाया. तो विनोद इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारी फैमिली के लिए, कि उसने मेरे पिता के वो जो आखिरी संस्कार उन्होंने पूरे किए. ओके, मिक्स मार्शल आर्ट्स, क्योंकि आप लोग आप फिटनेस जेल में भी कर रहे थे, एंड नाउ यू आर लुकिंग मार्शल आर्ट अमेजिंग. अदिति, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिज फिटनेस? अच्छी बताओ. ही इज द फिटनेस का गुरु. एवरीबॉडी हैज फॉलोड संजय, बट यू नो लिसन, ही इज बिकम वे टू फिट नाउ. क्या हुआ, गणपति में लड्डू नहीं खा रहे आप? नहीं, मोदक नहीं खाया मैंने यार.
पापा को खिला दिया और हमें खिलाया खूब सारा खाना. एंड आपने पापा के लिए भी यू नो एक गाना भी गाया है फॉर द फिल्म, कैसा लगा वो? बहुत अच्छा लगा. मैं पापा के लिए गाना गाना इट्स अ बिग थिंग फॉर मी और बहुत प्यारा गाना है. याद है गाने की दो लाइंस अगर बिकॉज़ यू नो गणपति फेस्टिवल इज ऑन इवन इफ यू ओके एनी आरती आल्सो वी विल सिंग विद यू बट वी विल सिंग विद यू. जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता की पार्वती पिता महादेवा. नाइस. व्हाट द किड्स फील? गणपति आप बहुत सालों से रख रहे हो मम्मी पापा के टाइम से? नहीं मम्मी पापा के टाइम से नहीं, लेकिन मेरी अर्धांगनी ने या मेरी वाइफ ने मेरी बीवी ने जब से मैं जेल गया शी स्टार्टेड गेटिंग बप्पा होम एंड एक बहुत पॉजिटिव एक एनर्जी आ जाती है घर के अंदर और हर साल हम लोग बप्पा लाते हैं. सो नाइस. एंड डू यू बिलीव इन इको फ्रेंडली वन और यू ओके टू डू इट इन द वाटर पॉन्ड? नो आई लव द इको फ्रेंडली वन. Yeah, nice. भैया मैं सोशल मीडिया में समझता नहीं हूँ, गूगल में देखता हूँ कभी कभी और उसके बियॉन्ड में जो आता नहीं है पासवर्ड और ये और वो सब डाल. बट कुछ इंटरनेट में कोई इंटरेस्ट है व्हाट्सएप कुछ नहीं? बट यू हैव अ सुपर इंस्टा हैंडल एंड संजू सर यू टेक अमेजिंग पिक्चर. सर इतनी फैन फॉलोइंग है फैंस के लिए आ जाओ. वेरी नाइस. फैन फॉलोइंग इतनी आपकी सर फैंस के लिए आ जाओ, मतलब आपके फैन क्लब्स के करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स है. यार एक चीज मैं बोलता हूँ, जब ट्विटर शुरू हुआ था तो मैं उसके मतलब क्या बोलते हैं मेंबर बन गया था ट्विटर का. एक दिन मैंने नई गाड़ी खरीदी और मैं पुणे से आ रहा था, इट वाज अ A8 ऑडी का, बहुत कमाल की गाड़ी है. तो रात को पुणे से मैं घर पहुंचा तो मैं ट्विटर पे गया और मैंने बोला कि इट्स अ फैंटास्टिक कार. And I drove and I didn't feel it was going at about 220 kilometers. Oh no! And what a car! Batman! तो मेरी बीवी ने बोला अभी तुम ट्विटर खोगे भी नहीं और सब कुछ भी नहीं. तो मुझे बोला यार मैं गाड़ी के बारे में बोल रहा हूँ यार. यही तो बात है ना सर, आपको पता ही नहीं चलता आप कब इतना सच बोल देते. आपकी बीवी के गुस्से के वजह से आपको पता चले गुस्सा कैसे दिखाते हैं वो बताइए. मेरी बीवी के गुस्से के वजह मतलब शी नो यू नो हाउ टू एक्सप्रेस एंगर थैंक्स टू हर यू सेड दिस. कभी कभी गुस्सा होती हूँ सच्ची बताइए इसके अलावा. होती हैं कभी कभी गुस्सा होती हैं और खास करके नौकरों पे वो फेवरेट है उनका, वो टारगेट बन जाता है. वो देखती है अच्छा ये आज ये है तो पूरा दिन वो ही है. फिर तो वो टारगेट तो उनका बहुत कमाल का रहता है. अभी अभी एक नौकर ने क्या हुआ, रात को बप्पा को बिठा रहे थे जी. तो बाय मिस्टेक उन बप्पा का हाथ टूट गया. तो यू नो बेटू गेट अनदर बप्पा. बाप रे बाप ऐसा मतलब उसकी हालत खराब. बप्पा मोरिया हो गया. तो फिर सारे आपके पास लौट के आते सर बचा लो. नहीं है ऐसा तो मैंने बोला अभी हो गया अभी दूसरा ले आएंगे पप्पा को और उसकी स्थापना कर. नहीं 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 मैंने वो चूज किया है, बैकग्राउंड मैंने किया है, पागल है कमीना है. अगले दिन कोई पुरोहित जी आए और ये कौन सा गणपति बोले. अरे मैंने बोला रात को 2 बजे और कौन सा यही एक अवेलेबल थे यार. तो नहीं नहीं वो मैच नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा. नहीं नहीं मैं भाई चिंता नहीं. एंड यू नो मैं परेशान हो गई हूँ और इन पे नूर नहीं है और ये देखो ऐसा है वैसा है. अगले दिन पुरोहित जी आए बोले के बाप रे बाप ऐसा गणपति, ये तो बालक है, ये तो बालक आए हैं आपके घर पे. शिव जी और पार्वती इनको बिल्कुल दरवाजे पे छोड़ के गए. अच्छा उसके बाद में जो प्यार मिला है. But I'll tell you the back story. I am Bhumi Anis Baba. I am sure that he has called the Purohit and told him you better say this. Say high five. Yes or no? So, as a father, what are your challenges? जो सुन रहे हैं, especially for parents out there who are listening in, what are the challenges in being a good father? क्या होता है? See, father is a good father. But एक चीज मेरे भी माता पिता ने एक ही चीज हम तीनों के साथ की कि बच्चा बच्चा होता है, कभी दोस्त नहीं हो सकता.
जो आजकल जो मॉडर्न सोसाइटी में नो ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन नो शी इज़ लाइक अ फ्रेंड यू नो हाँ बेटा कम एंड हैव अ बियर विद मी यू नो दैट कुछ भी नहीं वो नहीं चलता भाई ये अपने संस्कार नहीं यू नो एंड बच्चा बच्चा ही होता है चाहे मैं 50 साल प्लस हूँ लेकिन अगर मेरे पिता जिंदा होते तो मैं उनके लिए मैं बेटा ही रहता था तो वो फ्रेंडशिप और वो सब वो जो मॉडर्न चीजें हैं वो सब भूल जाओ भाई आजकल तो बहुत सेंसिटिव हो गए माँ बाप मतलब एक चमाट भी टीचर लगाते तो FIR हो जाती है आप सर बचपन में ऐसा मतलब चमाट हम लोगों ने तो कुल्ले पे लकड़ियां खाई थी यार इन बोर्डिंग स्कूल में आई वाज इन अ बोर्डिंग स्कूल इन सनार शिमला तो वो फिर वो फिर अपने टीचर थे तो टीचर की रिस्पेक्ट होती है तो कुल्ले पे खाए हम मुंह पे खाए चमार तो चलता है यार ओह माय गॉड देन संजू सर ऑलमोस्ट एवरी अब 3 टाइम्स अ वीक एट लीस्ट 3 टाइम्स अ वीक खाना आता था दिल्ली से पता नहीं कहाँ से एंड हाँ मतलब ही वुड ऑर्गेनाइज इट नहीं 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 ही वुड ऑर्गेनाइज इट एंड इनसे एक दिन मैंने बोल दिया मेरे को हलीम बहुत अच्छी लगती है दूसरे दिन हलीम आई फिर वन डे संजू सर गिव हिज घर की रेसिपी का कोरमा घर की कोरमा का रेसिपी टू द कुक्स ऑफ कोर्स मान्यता मैम आई थिंक वांटेड टू किल यू बट बिकॉज इट्स हर रेसिपी ही गिव टू द कुक्स इन आगरा एंड लाइक किलोज ऑफ कोरमा वॉज मेड एंड हमने सब मतलब हम जम के खाते थे रात को मतलब बहुत यमी डिनर्स होते थे एंड नॉट दिस नॉट वंस और ट्वाइस लिटरली 3 टाइम्स अ वीक But does it's a miracle both yeah, of you? Yeah, it's a miracle. We never put on weight. I think they were making us work very hard. You want to give us weight tips quick, like health tips. Jo bhi sun rahe. No salt. Boiled food. No. Boiled chicken. Really? Grilled fish, yeah. You know, considering everyone's talking about you right now, and even Ranbir came for the opening, I was very touched. And you said you have a special connection with him. This is only for the listeners' sake. What was that special connect? He's known you when you've been, you know, like ever since he was a kid. Kya hai wo special connect? See, then their family and my family go a long way. Mm-hmm. You know, it goes right from my mother to Raji. Yeah. From there, the journey starts. So, I mean, so. Even Shri 420, you know, Chintu sir was a small little kid. So my mother's seen them grow. Shashi uncle was small and everybody is small. And that whole connect never disconnected. Wo kabhi disconnect hua hi nahi hai. Phir Chintu sir Palil mein rehna shuru kar diya unhone Neetu ji ke saath. Phir ye bacche paida hue to pure Palil mein main dada tha. तो बचपन से आई हैव सीन रणबीर ग्रोइंग एंड एक स्पेशल उसके साथ एक कनेक्ट है एक छोटे भाई की तरह यू नो व्हाट आई एम सेइंग एंड हाउ शॉक्ड आर यू दैट ही लुक्स लाइक यू आल्सो बिकॉज़ ऑफ दिस रियली या अमेजिंग रियली बट सर मेरे को एक चीज पूछनी थी कि अभी तो आपको पर्दे पे उतारने वाले बट जो आपके अंदर जो स्टाइल है वॉक जो आपके मतलब सीटियां मैंने देखा है वो चीज की मैं वो देखते हुए बड़ा हुआ हूँ कि जब आप वॉक से मतलब अभी तो क्या होता है ना हीरोज आते हैं एंट्री होती है सब कुछ उनके लिए सेट किया जाता है आप सिर्फ टहल के आ जाते हो ना बात खत्म है तो आपको लग रहा है कि वो चीज हो पाएगी मतलब रणबीर कपूर लाइक आई डोंट नो मैं थोड़ी वो शायद भगवान ने मुझे वो वॉक दिया हुआ है पता नहीं क्या है उसके अंदर लेकिन आई डोंट नो आई हैव अच्छा आई होप Like I said, the best muscle you have is your heart, Island, and we really love you. Yeah, actually. We really love you, for being human. I mean, abhi a coin hua hai, lekin you were being human for a very, very long time, despite belonging to one of the best families who's done so much for society. And here's hoping with a comeback, you're going to bring a big message for everyone. Thank you. Wo mohabbat ka paigam. Thank you. Love you lots. Thank you. Thank you.